पूरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे नहीं मिलेगा सर साथ में जी भैया साथ में दिगंगना लेफ्ट 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 मैन्यू लेफ्ट साइड ऐसा बोल रहे डांट रही बात सुविधा बोलती जी भैया लेफ्ट में ऐसा मत करो भाई मत
स्टेज पे फोटोग्राफर का सर ही मिलेगा ना भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। चलो थैंक यू। कबाब में हड्डी छेद वाली चड्डी बनके कैसा लगा आपको? That's what the character is. First of all, good afternoon everyone, but thank you. हाँ, वो बिल्कुल किरदार वैसा ही है, कबाब में हड्डी छेदों वाली चड्डी। खुद बनाओ, इस बारी पहनी नहीं है। हाँ, वो पहनी ही नहीं है। नहीं, छेदों छेदों वाली चड्डी नहीं पहनी है, बट इस बारी खुद बनी है। Excuse me, दो होना जरूरी है, पैर कैसे घुसाओगे? बड़ा डीप था ये। सही में बट मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मैं गोविंदा सर का मतलब बहुत ही जबरदस्त फैन हूँ, हमेशा से था। और मेरी दिल की इच्छा थी जब मैंने एक्टर बनने का सोचा था सर, कि लाइफ में अगर कभी मुझे मौका मिले आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का, तो मतलब एक इच्छा थी बचपन से लेके, एंड विद फ्राइडे दैट हैज कम ट्रू, एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विद यू। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू अभिषेक सर, एंड थैंक यू साजिद कुरेशी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा मजा आया व्हाइल वी आर डूइंग इट, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस एज एन इंडिविजुअल मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला गोविंदा सर से, एंड बट आई जस्ट वॉन्ट से थैंक यू सर, थैंक यू। दैट इज सो स्वीट। नेक्स्ट फिल्म इमोशनल ड्रामा दी जाएगी आपको। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, यू नो देर आर सो मेनी फनी मोमेंट्स इन द ट्रेलर दैट वी जस्ट सॉ, एंड ऑल ऑफ अस वर लाफिंग ऑल थ्रू आउट। हाँ जी, अभी ये आधे है। मैं आपसे वही पूछना चाहती हूँ कि जो बाकी है, आखिर हो क्या रहा है मूवी में, स्टोरी क्या है, थोड़ा सा जिस्ट बताइए, सो दैट यू नो वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि ट्रेलर देख के लगता है आपको कि एक फेल्ड सेल्समैन है वरुण, हु इज प्लेइंग अ फेल्ड सेल्समैन, जिसका एक भी प्योरीफायर नहीं बिक रहा है, पवित्र पानी प्योरीफायर। वाह, कंपनी में काम करते हैं भाई साहब, और एक्चुअली हालत छेदों वाली चड्डी जैसी हो गई है क्योंकि इसका एक भी प्योरीफायर बिक नहीं रहा है। एंड देन ही गेट्स टू मीट अ स्मार्ट कस्टमर। ओह वाओ, स्मार्ट एज इन जिसके यहाँ पे कोशिश करता है कि जाके आज बेच दूँ, क्योंकि इनको एक अल्टीमेटम मिला हुआ है ऑफिस से कि आज अगर नहीं बेचा तो तुम्हारी नौकरी गई। प्रॉब्लम ये, इनको ये नहीं पता है कि ये जो हमारे स्मार्ट कस्टमर है, ये हमारे जो गगन कपूर है, ये अंदर अय्याशी कर रहे हैं। और इसलिए जैसे कि ट्रेलर में भी देखा आपने, ये इनको अंदर घुसने नहीं देते, लेकिन आज बेचना ही है, आज नहीं बेचा तो कभी नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आज अल्टीमेटम मिल चुका है। तो किस तरीके से अंदर घुसते हैं, एंड कैसे इनकी एक जो इनका जो एक बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, हंकी डोरी उसकी बैंड बजा देते हैं। कुछ ही बता दोगे आप? सो कोई बात नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगी, आपकी मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं है। अच्छा, बट मोटा मोटा किस तरह से घुसते हैं और घुसे ही रहते हैं, घुस जाते, बाहर निकलने की बहुत कोशिश, निकाला जाता है लेकिन नहीं निकलते। ओह माय गॉड,
किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे आप? ये पैरेलली कुछ और बातें नहीं चल रही हमारी, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ बचपन का क्रश जवानी में आकर के मिले हैं, तो कयामत होने वाली है आज यहाँ पर. गोविंदा जी, इट इज सच अ प्लेजर टू बी यू नो स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेज एज यू, सो माय प्लेजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जानना चाहूँगी मैं कि सबसे पहले तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं कि कोई भी और आपके कॉम्पिटिशन में आ सके, लेकिन आज के गोविंदा कौन है आपके हिसाब से? सबसे कॉमेडी आपको किसको देख करके वो हंसी आती है जो हमें अभी भी आपको देख करके हंसी आती है? नमस्कार, प्रणाम भैया, क्या हाल है सब? मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय साजिद जी का और अभिषेक का, और ये पूरी स्टार कास्ट जो इस फ्राइडे फिल्म में है जी. मेरे लिए ये एक ऐसा नया सरप्राइज रहा इस फिल्म में, क्योंकि मैं जिस वक्त आया तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स फाइन. बहुत साल से लोग पूछ रहे हैं कि किस फ्राइडे में आपकी फ्राइडे पिक्चर देखने मिलेगी, सॉरी फ्राइडे देखने मिलेगी फिल्म आपकी. तभी सोचा नहीं था कि फ्राइडे के साथ फ्राइडे आऊँगा. फाइन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो स्टार्ट ये इस तरह का होना ही था, देखने मिलना ही था. परंतु ऐसे रोमांटिक स्टार्ट मिलेगा ये नहीं सोचा था. मुझे जो अच्छा लगा इस फिल्म में, सबसे जो खासियत लगी, कि मैं जिस वक्त फिल्में किया करता था शुरू शुरू में, तो लोग कहा करते थे यार तेरी फिल्म का ये प्रोड्यूसर वो मेकर नहीं है, या तेरे फाइनेंसर्स बड़े नहीं हैं. तो जिस वक्त फिल्म लग जाती थी तो वो फ्राइडे वाले दिन उस टाइप का सरप्राइज मिला करता था कि यार ये तो हिट हो गई, जो सोचा ही नहीं था. इस फिल्म में जिस वक्त काम शुरू हुआ, कमाल है, मैं तारीफों के मतलब पुल बांध सकता हूँ. अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत साल बाद वो सरप्राइज देखने मिला, वो उस तरह का काम देखने मिला, उस तरह की राइटिंग मुझे मिली इतने साल बाद, कि मुझे इतना काम करते समय ऐसा लग रहा था कि यार व्हाट अ सरप्राइज, ये फिल्म जो है ये सुपर हिट होगी, ऐसी मेरी अपनी फीलिंग है. और उसमें खासियत ये हो गई, साथ में जो जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उफ, मतलब कि ये लोगों ने मुझे चैन से सांस लेने नहीं दी. तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत फैला हुआ था, मैंने सोचा कि यार सब अच्छा है, सब काम कर रहे हैं, वेरी गुड, तो होता ही रहा है. और ये इतना मेहनत करते हैं, ये मेरे लिए इतना सरप्राइज था कि वरुण इज़ टू गुड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं वरुण और मेरे लिए दोनों के लिए ये कहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लें तो हम सुपरस्टार हैं. अब उसको पहले दिन से चाबी दिए जा रहा हूँ, वरुण यार तू थोड़ा वेट रिड्यूस कर ले, तू सुपरस्टार है, सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ. आप डांस देखिए, डांस में भी कम नहीं है किसी से जी. और एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. और ये जो कह रहे हैं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ पिक्चर देखने के बाद, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जितना फैला हुआ था, मैंने सोचा था कि यार सब आर्टिस्ट है, तो उसमें वरुण हो या दिगंगना हो या प्रवलीन हो, और ख़ास तौर पे आप प्रभु, एक सेकंड के लिए आपको प्लीज़, आप ज़रा उधर से ऊपर खड़े हो जाइए, आइए आइए. मुझे वो सरप्राइज़ मिला है, मैं बहुत साल बाद में ना हंसते हंसते मैं सेट पे, कहते हैं कि फिल्म के इस सेट पे मैं हंस हंस के गिर गया. और मुझे ये इतने अच्छे लगे. और मेरा ये सोचना है कि एक फिल्म के हिट होने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उस फिल्म के कैमरामैन, उसके राइटर, उसके जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो न्यूकमर्स हों, चाहे वो जो हों जहाँ से आए हों. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल, से थैंक्स टू होल स्टार कास्ट, खासतौर पर आप तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे यार. ओह बहुत खतरनाक है, इसकी हाइट पे नहीं जाइएगा प्लीज़. माफ नहीं करता ये. और वरुण इज टू गुड, आई एम सॉरी वरुण, मैं आपको वेट के लिए कहता रहता हूँ. और आई लव यू, इतना ज़्यादा सम्मान और इतना प्रेम मिला मुझे इस फिल्म के मेकिंग के दरमियान आदरणीय साजिद जी, ख़ास तौर पे धन्यवाद दूंगा. मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फिल्म की शूटिंग पे आया हूँ. जैसे पहले मैंने फिल्में की थी और जो माहौल हुआ करता था वही मुझे इस फिल्म में देखने के लिए मिला.
तो मैं पहले तो सब धन्यवाद देता हूँ सब आर्टिस्ट लोगों का, और दिगंगना इज टू गुड इन द फिल्म, प्रवलीन इज टू गुड, सब तुम लोग कमाल किया है। मतलब कि एक शॉट इधर से उधर दे देना तो मतलब ये शायद खाना ना खाए नहीं थे, भूखे आए हुए थे, मतलब कि खा जाते आर्टिस्ट को। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे तारीफ में कह रहा हूँ, और वर्षानुवर्ष बाद मुझे ये मौका मिला है तारीफ का, इसलिए ये निकल रही है, पेमेंट नहीं हुई है मुझे। आई लव देम ऑल, थैंक्स टू यू, खासतौर पे अभिषेक। मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं होते जी। तो ये जितनी जैसी हुई है ये वैसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जीज के साथ सब सेट पे आए थे ऑन द सेट, कि जो काम कर रहा था वो अच्छा ही कर रहा था। ऐसे में चुन के वो चीज़ जो पिक्चर के लिए, फिल्म के लिए रिक्वायर्ड है, जो फिल्म को ऑन ट्रैक रखे, वो बहुत ही करेक्टली वो कर रहे थे। और तारीफ में और कोई रह गया? आदरणीय कैमरा मैन दादा, कहाँ है आप? कहाँ है मनोज जी? थैंक्स टू यू मनोज जी, टू गुड यू वेयर। मतलब कि मुझे डर लग रहा था कि न जाने हाँ तो तो बहरहाल मेरा ऐसा सोचना है कि एक अच्छी और हिट फिल्म बनने में इन सभी कलाकारों का हाथ होता है। प्लीज़ कृपया आप आ जाइए प्रवीण, आप दिगंगना आप आइए, राइटर आप आइए इधर, आइए आइए आप, यू आर टू गुड इन द फिल्म। मेरा मैक्सिमम झगड़ा इस आदमी के साथ हुआ है सेट पे। कहीं मैं ऐसा तो नहीं है मैंने आपका मंच छीन लिया? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आप अच्छी तारीफ कर रहे थे। पट्टू जी आपके आपके बिना ये शायद ही हो पाता, क्योंकि ये स्टार्ट ही जो हुआ पूरा सिलसिला सिनेमा का ये आदरणीय पट्टू जी के साथ हुआ। थैंक यू सो मच पट्टू जी, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच टू आदरणीय शशि प्रभु जी, ये लेके आए ये प्रोजेक्ट। और जिस वक्त लेकर आए थे तो मैंने सोचा था कि यार अब क्या क्या काम करें और कैसे करें, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आप लोग इसमें जाइएगा जैसे पहले जिस वक्त मेरा सिनेमा देखा करते थे, सब इधर का सब मामला उठा के बगल में रख देना और सिर्फ लाइफ अच्छे से हंसिए, एंजॉय कीजिए और ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि जितना सोचने लगेंगे मेरी फिल्में उतनी डरावनी लगती जाएंगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। गोविंदा जी अब आपने सबको बुला ही लिया है तो मैं चाहूंगी हमारे सभी कैमरामैन से लेट्स हैव अ क्विक फोटो ऑप बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Thank you so much, and thank you so much all the cast and crew members. I would request Abhishek ji, Govinda ji, and Varun to please stay back on the stage for question and answers. Can we take away the rest of the chairs? Great, you guys are fabulous. चलिए, बहुत सारे सवाल-जवाब हैं जो कि यहाँ पर होना बाकी हैं, तो मतलब यहाँ पर अभी शुरू किया जाए. All right, so sure. Let's have some questions from the media. Hi, Abhishek, Alok here on your left. मेरा सवाल है, लोगों की बड़ी तमन्ना होती है कि उनकी फिल्म में गोविंदा हो, तो ये आपने कैसे क्रैक किया और इनको मना लिया कि आप फ्राइडे कीजिए मेरे साथ? देखिए, जब मैं मुंबई आया था, मैं मुझे अभी भी याद है, मुझे दो लोगों के साथ काम करना था, ये तो सोच के आया था। एक थे श्री अमिताभ बच्चन जी, लकीली मैंने पा में आई वॉज एन 80, सो 1/4 इच्छा मेरी पूरी हो गई। और दूसरी इच्छा थी कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी और मैं भी चाहता था कि वो जब भी इनको देखती थी स्क्रीन पे, वो कहती थी कि यार इस बंदे के साथ जरूर काम करियो, ये मस्त है यार, ये मेरा भाई है, यू नो ऑल एक्चुअली है ये ऐसा है। सो मेरी एक इच्छा तो मैं कह सकता हूँ मुंबई आने के बाद पूरी हो चुकी है, जो मैंने सर के साथ काम कर लिया है, एंड ही इज बीन एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। वरुण ऑल्सो नोज अबाउट दिस, कि जितना हार्डवर्क इन्होंने किया है मैं बोल सकता हूँ किसी और ने सेट पे नहीं किया है। ये पूरी टीम आपको बता सकती है, ये हमारा क्रू बता सकता है
इस इनमें जितनी एनर्जी है वो इतनी इन्फेक्शस है कि काम सही से हो ही जाता है। गोविंदा जी, ट्रेलर आपको कैसा लगा, जरा आप बताइए। मुझे तो ये पूरा सिनेमा ही जो है बहुत, मतलब कि मैं जल्दी खुश नहीं होता हूँ किसी भी चीज़ से, ख़ास तौर पे जिस फिल्म में मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझमें वो हंसी नहीं आती है, क्योंकि बहुत साल से मैंने देखा हुआ है ये सब फिल्मी। मुझे जो चीज़ नेचुरल लगती है, अच्छी लगती है, तब जाके मुझे फिल्म जो है लगता है कि हाँ ये हुई, तैयार हुई। तो इसकी जो इसमें जो नेचुरल जो है वो उसका जो चक्कर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये हो ही इसलिए पाया क्योंकि सब आर्टिस्ट साथ में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। आई वुड लाइक टू से रियली थैंक्स टू हिम कि सब अच्छे आर्टिस्ट आ गए। ये तो बहुत ही डेंजरस है ये कैसे ऐसे ऐसे भोले से बैठे हुए हैं, इन्हें देखिएगा ये फिल्म में आप। ओहो हो, इतना हंसाया मैंने जब शोला शबनम की थी तो मैं डायलॉग नहीं कह पाता था अनुपम खेर जी के आगे। मैं कहा सर आपको पक्का इसमें अवार्ड मिलने वाला है तो वो हंसा करते थे। मैंने शक्ति कपूर से सीखा राजा बाबू में, मैं डायलॉग नहीं कह पा रहा हूँ यार तेरे आगे, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो वैसे ही मुझे ये विजेंद्र काले जी जो है, ओहो बहुत साल बाद एक खतरनाक एक्टर मिला है, मज़ा आया बहुत साथ में दिगंगना टू गुड इन द फिल्म। ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि ये फर्स्ट टाइम काम कर रही है, कैमरा फेस कर रही है। और प्रवलीन से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सॉरी मुझे ऐसा लगा ये सुंदर सी लड़की लेके आ गया है कि ये सोच के ना कि इसको इसकी वाइफ अच्छी लगेगी, और मैंने सोचा वाइफ का रोल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ये अक्सर तो गर्लफ्रेंड्स के रोल बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा सरप्राइज था ये कि उफ माय गॉड, ये तो मतलब गहरा इनका चक्कर होता है, ये बहुत गहरे से आती हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत नेचुरल, मतलब जो ना पिक्चर में आस्ते आस्ते चढ़ते चढ़ते चढ़ बैठते हैं जो ये वो उस टाइप के डेंजरस एक्टर है। और दिगंगना जो है वो पक्की एक्टर टाइप वाली एक्टर है। ये तो भाई साहब मतलब कि मैं था तो बच गया, ये भी बख्शते नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा एकदम हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं, और उसके बाद में जैसे नीचे से ऊपर उठते हैं तो ऐसा लगता है ये आदमी अलग है सब बहुत अच्छे, सब जितनी तारीफ करिए करूँ मैं वाकई। बहुत साल बाद ना मुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि मैं हर आर्टिस्ट की तारीफ कर पा रहा हूँ। अच्छा असल जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है किसी सेल्समैन से पाला पड़ा है आपका कोई अनवांटेड? मेरे अक्सर मुंह नहीं लगते लोग ज्यादा लोगों को मालूम है ज्यादा पंटर टाइप का आदमी है वो। इतने लोकल ट्रेन में मैंने धक्के खाए हैं और इतने मैंने रस्तों में धक्के खाएंगे, लोग मुंह ही नहीं लगते। वो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही डिफरेंट है, ये दुनिया देखा हुआ है। और वाकई वैसा मौका भी ऊपर वाले ने दिया कि ऐसा हुआ। अच्छा आपको बताया गया गोविंदा सर कि इनका नाम चूचा है और आपको चीची के नाम से जाना जाता है? जी 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 जी, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हंस हंस के ये चीची उंगली जो करवाती है ना वो आप लोग सब करने पे मजबूर हो जाएंगे वरुण पहला दिन कैसा था जब आप गोविंदा सर के सामने थे? मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे मुझे कहीं भी नहीं लगा नहीं नहीं सर नहीं, नहीं बट जब ये हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और अभिषेक सर से बात हुई थी और मैं पहली बारी गोविंदा सर को जब हम मिलने गए थे, मैं और अभिषेक सर साथ में थे, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ ये बात जेन्युइनली कहूँगा, सारी सर की फिल्में, सर बैठे हुए थे, हम चाय पी रहे थे और उनके आसपास में उनकी सारी फिल्में घूम रही थी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एज अ किड जब तुम मैंने देखते देखते जो भी मैंने अब यार एज डिस्कस नहीं कर नहीं 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 सर नहीं 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 मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ सारी फिल्में ऐसे ना पीछे हेलो में घूम रही थी और मैं कह रहा था यार ये तो सही है यार ये तो सही है, मतलब मन ही मन कर रहा था। मैंने चाय पी, मेरे को डिस्कशन जेन्युइनली आज तक याद नहीं है कि हमने बात क्या करी थी। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर जॉनर है जो कॉमेडी है उसमें मैं भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा हूँ एंड उस जॉनर के जो लेजेंड हैं वो सर हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था यार इस प्रोसेस में एज एन इंडिविजुअल मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा सर से। और एक एक चाह होती है कि आप मास्टर से सीखें, तो वो मेरी इस फिल्म के दौरान पूरी पूरी हुई। एंड बट सर हैज़ बिन सो स्वीट,
जहाँ पे भी अटकता था मैं, कुछ भी होता था, और ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने बहुत मुझे ये मौका नहीं दिया कि नहीं मास्टर फील करूँ अपने आप। नहीं हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब कि जिसे जिसे मौका मिल रहा था ना वो अपना मास्टर स्ट्रोक लगा रहा था। हाँ, बहुत ही दयाहीन मामला था वहाँ पे, यू नो, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगा मैं घिराया गया हूँ। अच्छे अच्छे कलाकारों से घिर लिया गया हूँ, और साथ में राइटर साहब जो है इन्होंने मुझ पर खास दया की हुई थी, यू नो। मतलब यूँ कहता कहा था कि आपकी लाइन है, आपके लिए ये लिखा हुआ है, आपके लिए लाइन है, और आपके लिए ये लाइन है, तो मैं कहाँ हूँ भाई। तो मैं जिद करके इनके साथ में कहीं, और वो हाँ इसमें सच कह दिया करते हैं, तेरा मेरा झगड़ा फिक्स है, अगली पिक्चर में भी हम लोग झगड़ा करेंगे और करते रहेंगे, हिट देते रहेंगे। गोविंदा जी, आपके ठीक सामने प्रशांत ईटीवी से। पिछले दिनों आप इस फिल्म की लॉन्च से पहले बनारस गए थे, काशी गए थे, और वहाँ के अनुभव के बारे में बताएं। बड़ा हमने देखा लोग काफ़ी पागल हुए जा रहे थे आपकी एक झलक पाने के लिए, आप जब मंदिर से बाहर निकले, तो उस अनुभव के बारे में ज़रा बताएं। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी बनारस से हैं, और मुझे वहाँ पे वो मातृत्व प्रेम जो है वो सदैव मिला करता है। तो मैं काशी विश्वनाथ, संकट मोचन, मार्कंडे बाबा, विंध्याचल भवानी पूर्णतः दर्शन करने के लिए गया, और मैं एक वाहिद आर्टिस्ट हूँ कि मुझे मम्मी की वजह से 14 की एज से लेके 21 की एज में मैं 24 लाख गायत्री और 52 लाख महामृत्युंजय कर पाया। तो शिव जी की विशेष मुझ पर वर्षानुवर्ष कृपा रही है। जो जिस तरह का मैं हुआ करता था, तो मुझे वो कहते थे कि यार इसका उंगली पकड़ के चलना, ये कहीं बम्बई में खो जाएगा। तो कहाँ, तो मैं वो 3-4 घंटा पूजा करने वाला और मैं हीरो हो गया। तो बहुत गांव वाले सरप्राइज होते थे कि ये कहाँ से निकला भैया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये हीरो हो जाएगा। मतलब जिस वक्त हीरोइन मुझे टच करती थी तो मैं काफ़ी समय तक ना यो कांपता रहता। तो मुझे खास सरोज जी ने यहाँ पे समुंदर किनारे भेजा था कि इसे रोमांटिक सीन्स समझाओ कि कैसे किए जाते हैं। तो एक कर्नाटक से राजलक्ष्मी जी आई थी, वो मुझे कहा करती थी चिची वहाँ से दौड़ के आओ, आओ गले लग जाओ। और मैं आके आके ऐसे ऐसे कहता, अरे तू ऐसे कैसे दौड़ रहा है यार। मैं क्या कहूँ राजलक्ष्मी जी, मेरा ना मुझसे हो नहीं रहा है। तो बहरहाल ये सोचा नहीं था कि वहाँ से निकला हुआ उत्तर प्रदेश का भोली भाली एकदम मेरी माता जी, उनका ऐसा आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा और इतना कामयाब हो जाऊँगा, हीरो हो जाऊँगा, ये सोचा नहीं था। तो मैं सदैव प्रणाम करता हूँ उत्तर भारत की उस जमीन पे, और प्रार्थना करता हूँ कि वो जो कृपा मुझ पे रही है वो वैसे ही कृपा जो है ये वर्षानुवर्ष और रहे। मेरा ये सोचना है कि एक्टर तभी तक फ्लॉप नहीं है, वो तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक कि वो ये स्वयं ना मान ले कि हाँ मैं भैया हो गया, प्रणाम हो गया। तो मैं तो मैं ना कभी हारा हूँ, ना कभी डरा हूँ, और ना कभी पीछे मुड़ के देखा। समय जाए जैसा हो, हम तो काम किए जा रहे हैं, तो वो कृपा है उस स्थान की जी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले शोला शबनम का जिक्र किया, और फिर हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, आप लेखकों की बात कर रहे हैं, पूरी टीम को अभी आपने बुलाया, इन सालों में क्या फ़र्क देखते हैं, या एक ऑब्जर्वर के तौर पर क्या देखते हैं कि मेकिंग में या लिखने में या फिल्मों के सेट्स में क्या क्या परिवर्तन आया? ये जितने आप वर्ड्स कह रहे हैं कि मेकिंग में, फिल्मों के सेट पे, और ये इतनी जगह पर ध्यान चला गया, तो समझिए वो फिल्म नहीं चलेगी। मेरा ये सोचना है कि आप जिस वक्त आपका लक्ष्य ही नहीं कहीं पे जाता सिवाय इसके कि वो जो किरदार जो फिल्म में निभा रहे हैं और लोग जो काम कर रहे हैं, वो आपको ऐसे लगने लगे कि यार ये सचमुच ऐसे ज़िंदगी में हो रहा है, और वो कहीं से इंस्पायर्ड है, और ऐसा होता है लाइफ में, और यह हो सकता है इन समबडीज लाइफ, तो मेरा ऐसा सोचना है कि वो फिर वर्क कर जाता है। मुझे बहुत लोग कहा करते थे यार तू क्या टाइप का सिनेमा करता है, कहीं जो मिल जाए उसके साथ काम कर दिया करता है, फिर वही हिट हो जाता था, फिर वो लोग कहते थे कि यार ये तो हिट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जो यंगस्टर्स आ रहे हैं आज के टाइम में, ये बहुत ही कमाल का सिनेमा पेश कर रहे हैं, और जो वर्क हो रहा है अब, ख़ासतौर पर जैसे अभी अभिषेक ये फिल्म बना चुके हैं,
मुझे उम्मीद मुझे पहले मिलके मुझे ऐसा लगा कि मैं टीना से कह रहा था कि ये सुपरहिट फिल्म बनाएगा, ऐसी मेरी फीलिंग है और वो फीलिंग करेक्ट हुई, क्योंकि आदमी की चाह होती है वही उसे एक मुकाम हासिल करने के लिए मतलब वो जगह बनाई देती है उसके लिए फिल्म लाइन में। वरुण, जिस तरह से गोविंदा सर बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है नए लोगों के साथ काम करके, आपके लिए क्या ये एक तो सीखने वाली बात है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपने गोविंदा जी से अपने साथ लेके गए कि ये एक एक खास बात है? करेक्ट सर, आई थिंक ड्यूरिंग वो जो प्रोसेस होता है, मेरा ऐसा मानना, जैसे गोविंदा सर और हम जब सुबह सेट पे होते थे, मतलब वो इतनी रिहर्स कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह सेट पे होते थे। हाँ ये देखिए आप सोचने लगे, सुबह 7 बजे जब सर सेट पे होते थे तो ये खास तौर पे तारीफ होनी चाहिए। जेन्युइनली इस पे वो हमेशा सुबह 7 बजे सेट पे थे, ये मैं कह सकता हूँ एकदम, और पूरा जिम्मा ले सकता हूँ इस बात का। बट हम जब सुबह सेट पे होते थे, रिहर्स करते थे इतनी बारी सीन, सर कहते थे इसको इस अंदाज में बोल के देखते हैं, इसको दूसरे अंदाज में बोल के देखते हैं। सो ड्यूरिंग दैट होल कोर्स ना सर, कई बारी लाइफ में आप अगर आप 2 महीने 3 महीने एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो एकदम बहुत परफेक्ट है उस आर्ट में, एंड कहीं ना कहीं अंडरलाइन में चीज़ें आप रोज़ सुनते रहते हैं, रोज़ आजमाते रहते हैं, और वो आपके जहन में घुस जाती हैं और आपको खुद नहीं पता होता वो आप ज़िंदगी में कब इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो दैट आई थिंक हैपेंड विद मी, एंड काफ़ी अलग तरीक़ों से एक सीन को अप्रोच करना, एक पर्टिकुलर डायलेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करना, उसको और ज़्यादा रिहर्स करना, एंड टू फिल्टर दैट आउट एंड यू नो कम अप विद दैट परफेक्ट सीन एंड दैट सीक्वेंस, तो काफ़ी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैंने सीखी। एंड एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो आई थिंक आई हैव गेन्ड अ लॉट, विच मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कहीं ना कहीं वो अपने आप यूज़ हो ही जाएंगे। जी अभिषेक, फिल्में आइडिया होती हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे आपकी पिछली फिल्म थी, जैसा आपने कहा था कि अखबार में या ख़बरों के ज़रिए आपको इस तरह की घटनाओं के बारे में पता चला, फ्राइडे का बेसिक आइडिया कहाँ से आया? इनके साथ खुद हुआ था घर पे। वरुण ने मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू वरुण। अरे यार जोकिंग सर, यार मजाक था प्लीज। ये स्क्रिप्ट मुझे, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये कहानी आई थी कहीं से पहले से, मतलब जो हमारी फिल्म के राइटर है पट्टू जी, ही इज़ रिटन ऑल ऑफ सर्स ग्रेटेस्ट फिल्म्स लाइक हीरो नंबर 1, ऑल इज हिट्स ड्यूरिंग द 90s, एंड उनके पास ये बहुत अच्छी ये आइडिया मुझे जो था, ये जो जर्म था, ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था कि एक सेल्समैन के ऊपर, एक्चुअली एक सेल्समैन की कहानी, और वो कैसे ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे कॉमेडी अफेयर्स चल रहे हैं अंदर, और उसको किस तरीके से एक प्योरीफायर बेचना है, तो जर्म वहाँ से आया था। एंड उसके बाद जब मुझे बताया गया कि गोविंदा सर प्ले कर रहे हैं वो रोल जहाँ पे प्योरीफायर बेचने जाता है और उनको तंग करता है जो भी है, मैंने और कुछ सुना नहीं, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। तो एंड उसके बाद ऑब्वियसली 2-3 महीने का प्रोसेस था राइटिंग का, तो ये आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया किसी और का है, या हम लोग उसके बाद बैठे हैं एंड जो जो गोविंदाइज्म के तरीके हैं हमने कोशिश करे इसमें डालने के लिए, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ फिल्म दैट यू नो एक्सपेक्ट फ्रॉम गोविंदा सर, और बिना, जैसे उन्होंने बोला यार सर पैर छोड़ के साइड में रखो और बस फिल्म देखो मज़े से, तो वही हमने कोशिश करी थी कि अब जब सर है इसके अंदर तो हमें वही चीज़ को आगे पकड़ के चलना है कि मौज होनी चाहिए फिल्म के अंदर, हमें एक अच्छी स्टोरी मिल गई थी, बस हमें उसके अंदर मौज डालनी थी। सो या दैट्स हाउ वी गॉट द आइडिया। मुझे या तो वरुण बहुत अच्छे लगे, बहुत तमीज़ में, बहुत प्रेम से,
और वैसे ही मुझे रणवीर के साथ काम करते समय बहुत मैंने वो फिल्म के दरमियान एंजॉय किया। मुझे लगता है वो उसमें वो सुपरस्टारडम जो है बहुत हार्डवर्क करते हैं, वो नेचुरल हैं, बहुत तमीज़ में हैं और दिल है, वो चाह रहा होता है कि मैं अपनी सुपरहिट फिल्म दूँ। तो ये जो इच्छा होती है, ये इच्छा शक्ति जो है वही आदमी को आगे लेके निकलती है, जो मुझे ये लोगों में नज़र आई। गोविंदा जी, सेंटर में आपने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में कहा था कि आपके अप्स एंड डाउन में सिर्फ सलमान खान एक थे जो आपके साथ रहे थे, अभी आपको लगता है विद टाइम और भी लोग आए हैं जो आपके साथ हैं और आपको फिल्मों में दोबारा वेलकम कर रहे हैं और आपको ऑफर्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह? ये आप जो कह रहे हैं इसमें शक नहीं है, परंतु ऐसा संभव ऐसा हुआ है कि उस बात के लिए 9-10 वर्ष हो चुके हैं। और मेरा ये सोचना है कि हम आर्टिस्ट लोग जो हैं, जो वर्क मिला है, तो बहुत टाइप के आर्टिस्ट होते हैं कि बहुत बढ़िया काम मिलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे काम मिला है और मैंने मेरी तरफ से उसे बहुत ही अच्छा करके उसे प्रेजेंट किया है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही परफॉर्मेंस पे वर्क किया, पूरा एक जो माहौल होता है वो जिस वक्त बाकायदा जैसे नज़ारा हो जाए और समा बन जाए, तो कहावत है पुराने ज़माने के जो क्लासिकल आर्टिस्ट होते थे उनकी मशहूर कहावत होती थी कि ना मिले हुए बेसुरे जो हैं वो ना मिले हुए सुघड़ जो हैं उनसे मिले हुए बेसुरे अच्छे होते हैं दुनिया में। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो मिल के काम करते हैं, आर्ट निकालते हैं, वो कहीं अलग ही मुकाम हासिल कर जाता है, फिर आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। तो इसमें तो लकीली सब खतरनाक एक्टर मिल गए और ऐसा कभी मैं सोचा नहीं, सब कमाल आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। और अब मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त आप थिएटर से बाहर निकलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप ये कह पाएंगे कि दिगंगना अच्छी थी, कि विजेंद्र काले जी अच्छे थे, कि परवलीन अच्छी थी, कि वरुण कहीं कहीं आहा, और राइटर अच्छे थे, कि डायरेक्टर ने धमाल कर दिया, कि प्रोड्यूसर ने क्या कमाल का प्लेटफॉर्म दिया इन्हें, या पट्टू पारे कैसे स्टोरी कैसे लेके आ गए। आप ये मतलब सोचने के लिए मजबूर कर, इट्स अ कल्ट सिनेमा, जो हम सुनते थे कि कल्ट सिनेमा होता था, कि हम उम्मीद नहीं करते थे कि यार ये फिल्म ऐसी इतनी अच्छी हो सकती है, कैसे यार पूरी फिल्म एक घर में ही है, हाँ, और जो सोचा नहीं वैसा है, तो हंसते हंसते धमाल हो जाता है। तो मुझे लगता है वही अच्छा है इसका सिनेमा का। वरुण, यू आर नोन फॉर योर लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू वरुण, यू आर नोन फॉर वन मोर आफ्टर दिस फॉर योर कॉमेडी, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट मेक्स अ गुड कॉमेडियन? यार सर मतलब इंग्रेडिएंट तो ऐसा नहीं है सर, मतलब कॉमेडी भी इज अ जॉनर ऑफ परफॉर्मिंग एज एन एक्टर। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। अगर मैं कॉमेडियन होता तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता, मैं अलग अलग फॉर्म्स वोच करता। मैं एक्टर हूँ जो उसको पसंद किया जाता है कॉमेडी जॉनर में, और अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए मैं जो मेहनत कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। और अगर वो स्क्रिप्ट जॉनर कॉमेडी का है तो उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो लहजा है, उसका जो डायलेक्ट है, उसका जो माहौल है, उसकी जो सेटिंग है, अगर मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया तो आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको हंसी आएगी। और अगर उसी एक्टर को जो कॉमेडी करता है किसी सीरियस रोल में डाल देंगे तो उसकी तरफ आपकी मतलब वो चीज़ सेम कोशिश होगी करने की। सो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, मतलब हम ये पनीर बटर मसाला तो नहीं बना रहे कि मेरे घर पर कोई रेसिपी है, मतलब ये सेम ही चीज़ें हैं जो एज एन एक्टर हम डिफरेंट डिफरेंट अपनी जो ट्रेड्स हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको लेके आते हैं और उसको हम ट्राई करते हैं कि जस्टिफाई कर सकें उस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर फ्रेम में, और फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम मिला के उस पूरी फिल्म में। हेलो गोविंदा जी, रवि यहाँ पर फ्रॉम ABP न्यूज़। गोविंदा जी, आजकल बायोपिक बनने का बहुत चलन है,
तरह तरह के खिलाड़ियों पर, तरह तरह के लोगों पर, और हाल ही में संजय दत्त के ऊपर भी एक बायोपिक बनी थी जो बहुत सुपरहिट साबित हुई, बहुत बड़ी हिट है वो बॉलीवुड की टॉप थ्री में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई फिल्म बन सकती है, क्योंकि आपकी जर्नी भी एक रैंक आउटसाइडर की रही है, विरार का छोरा के तौर पर आपको जाना जाता है, बहुत आसान नहीं था आपके लिए बॉलीवुड में काम कर, तो ऐसा आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो फिल्म बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कौन प्ले कर सकता है वो किरदार? अभी क्या, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, पर इसे जगह करेक्ट नहीं है इसकी। बहुत साल बाद मैंने रोमांटिक फिल्म की है। तो जो जो आर्टिस्ट नीचे से ऊपर आए हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह में जहाँ पे मौके ही नहीं आता, फरमाता ऊपर वाला, जल्दी से नहीं मिलता है चांस ऐसी जगह में, तो हाँ ये हो सकता है, पर अभी नहीं, फिलहाल तो नहीं। मेरा ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी के हर वो जो पहलू हैं, ख़ास तौर पर माँ बाप के आशीर्वाद से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पर गुरु वर्ग से जुड़े हुए, और वो जो गांव की जो मस्तियां होती हैं, और जो गांव में प्रेम होता है लोगों में आपस में उनका, वो जो है वो वाकई मुझे लगता है कि आनंद, मतलब क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि गरीबी में और जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि यार जो तकलीफ की तकलीफ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जो लोग, वो लोगों के लिए वो सिनेमा डेफिनेटली, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सोचना है कि वो धमाल होगा, इंस्पायरिंग होगा, पर अभी नहीं, फिलहाल तो इसमें मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मौका लग गया है, और अभिषेक इज़ बीन सो इज़ टू गुड इन द फिल्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय तो अभी फ़िलहाल तो नहीं, और जो इसके बाद आ रही है रंगीला राजा, अगेन उसमें वो उसी टाइप का आप लोगों को काम देखने मिलेगा जो पहले आप लोगों ने देखा है, तो अच्छी उम्मीद है मुझे, थोड़ा मैं इस वक्त डिफरेंट मूड में हूँ। इट्स अ नाइस फील, आई थिंक इट शिफ्ट आउट वेरी वेल। सॉरी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल हाइपोथेटिकल है, अगर फिल्म बनी तो कौन होना चाहिए आपके किरदार में? कौन होना चाहिए अगर कभी? अभी सोचा नहीं, अभी फ्राइडे का फ्राइडे लेके निकलिए आप। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस, यू वर फैबुलस लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे टैलेंटेड स्टार्स जो हैं ऑन स्टेज, लेट्स हैव अ क्विक फोटो अप वंस अगेन। आई वुड लाइक टू कॉल ऑल द कास्ट एंड क्रू वंस अगेन ऑन स्टेज, एंड डोंट फॉरगेट 12th of October 2018 इट्स गोइंग टू बी अ लाफ रायट ऑन द स्क्रीन्स, सो प्लीज बी देयर वंस अगेन। मैं हूं रंगीली रुचि, आई विल सी यू गाइस सून, हैव अ ग्रेट सैटरडे। गोविंदा जी, आप कुछ कह रहे थे? स्टेज पे अभी दिगंगना, प्रवलीन, मैं बुलाना चाहूंगी ब्रिजेंद्र काला जी को भी ऑन स्टेज, द होल कास्ट एंड क्रू, लेट्स हैव अ क्विक फोटो ऑफ एवरीबडी हुज डन अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म फ्राइडे।
Thank you so much. You guys were all awesome. Thank you and have a great Saturday.